يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. सूरह बकरा आयत 267 आपके सामने तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बयान फरमाया, ऐ ईमान वालो, उस पाक माल से खर्च करो जो तुम कमाते हो या जिसे हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है। बुरी चीज़ों के खर्च करने का इरादा ना करो जिसे तुम खुद लेना नहीं चाहते, इल्ला ये कि अपनी आँखें बंद करके लेते हो। और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह और ख़ूबियों वाला है। बरा बिन आज़िब अंसारी रज़ी अल्लाहु तआला इस आयत के नाजिल होने की वजह बयान करते हुए कहते हैं कि मस्जिद नबवी में कुछ ऐसे सहाबा थे जिसे अस्हाब सुफ़ा कहा जाता था, जो गरीब थे, दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, यानी मुहाजिर थे। इनके पास खाने पीने का बड़ा मसला होता। इनके बिलमुकाबिल मदीना के अंसार थे, ये बागात वाले थे। अल्लाह ने इन्हें रोज़ी दे रखी थी। अंसार में से दो गिरोह थे। एक गिरोह वो था जब इनकी खेतियों से फसल निकलती, अनाज निकलता, खासतन खजूर, तो ये मस्जिद नबवी में एक रस्सी बंधी हुई थी, अच्छी अच्छी खजूरें लाते और उस खजूर के खोशे को उस रस्सी से बांध देते ताकि ये मुहाजिरीन सहाबा में से जो कि गरीब हैं और खाने के लिए परेशान रहते हैं, ये उस खजूर के खोशे से खजूर तोड़कर अपना पेट भर लिया करें। बाज़ अंसार ऐसे थे जो अपनी फसलों से ऐसे खोशे निकाल लेते जिसकी कुछ खजूरें अच्छी और कुछ खजूरें अदगद्दर होती, और बाज़ खजूरें निकम्मी भी होती, वो लाते और लाकर उस रस्सी से बांध देते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के सिलसिले में आयत नाजिल फरमाई जो सदका करते तो थे लेकिन सदक़े में ऐसा माल खर्च करते जिस माल को वो ख़ुद लेना पसंद नहीं करते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अनफिकू मिन तय्यिबात, के अहले ईमान पाक चीज़ों से खर्च किया करो। इससे पहले निदातुर रहमान में से जो निदा जो आयत गुजरी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े के तीन शरायत जिक्र फरमाए थे। उसमें से एक शर्त थी कि सदका करने के बाद एहसान न जतलाया जाए, और इसी तरह दूसरी शर्त थी कि सदक़े के बाद तकलीफ न दी जाए। चौथी शर्त थी कि सदक़े के वक्त रियाकारी ना हो। अब यहाँ पे चौथी शर्त जिक्र की गई। पहली शर्त थी, जी एक मरतबा दोहरा लें बात याद रहेगी, पहली शर्त थी कि सदक़े के बाद एहसान न जतलाया जाए, दूसरी शर्त तकलीफ़ ना दी जाए, तीसरी शर्त हमारा सदका रियाकारी से पाक हो, और चौथी शर्त है कि वो तय्यिब हो, पाक हो, खबीस और हराम ना हो। ये सदक़े के कबूल होने की चार शर्तें हैं। अल्लाह तबारक व तआला पाक है, वो पाक चीज़ों ही को कबूल किया करता है। जैसा कि हदीस इससे पहले भी आपके सामने बयान की गई, इन्नल्लाह तय्यिब वला यक़बलु इल्ला तय्यिबा,
अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बिल्कुल पाक है और वो ज़ात पाक चीज़ों ही को कबूल किया करती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अनफिकू मिन तय्यिबात, अपने पाक मालों से खर्च किया करो। अब पाक माल जो तय्यिब होते हैं वो दो शर्तों के साथ होते हैं। कोई भी माल तय्यिब कब होगा? जब उसमें दो बातें पाई जाएंगी, एक पाक हो और दूसरा वो हलाल हो। जैसा कि इससे पहले हमने बताया कि बकरी ये पाक है, लेकिन अगर इसे गलत रास्ते से हासिल किया जाए, चोरी कर ली जाए, या इसी तरह इसे ज़बह करने की बजाय कोई और तरीके से मार दिया जाए शिकार को छोड़कर, तो ये चीज़ फिर हमारे लिए हलाल नहीं रह जाती। तो पाक भी हो और हलाल भी हो, तो वैसे ही माल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल किया करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है कि जिस आदमी के पास हराम माल है वो उस हराम माल का क्या करे? जिसके पास हराम माल है अब वो इस्तेमाल में तो नहीं ला सकता, तो उस हराम माल का क्या करेगा? तो देखें कि आदमी के पास अगर हराम माल उसके मालिक के इख्तियार के बगैर आया हो, यानी मिसाल के तौर पर ये मालिक है इस माल का, और अगर मेरे पास ये माल इसके इख्तियार के बगैर आ जाए, तो अगर वो ज़िंदा है और हमारे पास इस्तेताअत है तो हम उसकी ज़िंदगी में उसका माल उसे लौटा देंगे। उसके इख्तियार के बगैर कैसे आ सकता है? तो चोरी के ज़रिए से आ सकता है, डाके के ज़रिए से आ सकता है, कई इसके ज़राए हो सकते हैं। तो अगर वो ज़िंदा है तो हम उसे उसका माल वापस कर देंगे। अगर ये फौत हो जाए और उसके वारिसा मौजूद हों, वारिसीन हों, तो हम कोशिश करेंगे कि वो माल उसके वारिसीन तक पहुँचा दें, और अगर ये चीज़ भी हमारे लिए मुमकिन ना हो तो फिर हम उस माल का सदका कर देंगे। और ऐसे सदक़े पर नेकी की उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सदका कबूल होने वाला नहीं है। बस उलमा कहते हैं कि नीयत अच्छी थी तो नेकी मिलेगी, ये कह एक अलग बहस है, लेकिन किसी का गसब किया हुआ माल और उसे सदक़े की राह में, उसे सदक़े की नीयत से अल्लाह की राह में देना, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह तय्यिब वला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह तबारक व तआला पाक है, पाक चीज़ ही को कबूल किया करता है। तो ये तो पहली शक्ल हो गई कि मालिक के इख्तियार के बगैर जो चीज़ हमारे पास आए, तो हम तीन चीज़ों में से बारी बारी एक एक चीज़ पर अमल करेंगे। मगर मालिक जिंदा हो तो उसे दे देंगे, या नहीं तो उसके वारिसीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर तीसरी शक्ल ये होगी कि हम उस माल का सदका कर देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अनफिकु मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो माल तुम अपने हाथ से कमाने वाले हो उस माल से पाक खर्च किया करो। और जो आदमी कमाई करता है वो या तो तिजारत के ज़रिए से हासिल करता है, या ज़राअत के ज़रिए से हासिल करता है, या फिर सनअत के ज़रिए से हासिल करता है, या फिर मुलाजमत के ज़रिए से। आदमी जो माल अपने पास कमाता है उसके चार ज़रिए होते हैं, या तो वो सनअत होती है, या फिर ज़राअत होती है, या तिजारत होती है, या मुलाजमत। ये चारों शक्लों में भी आदमी के पास जो माल आता है अल्लाह तबारक व तआला ने इस माल से सदक़े का हुक्म दिया। और याद रखें ये आयत नफली सदक़े को भी शामिल है और जो सदका फ़र्ज है यानी ज़कात उसको भी शामिल है। हम चाहे ज़कात का माल निकालें या चाहे आम सदका करें, दोनों सूरतों में हमें अच्छा माल सदक़े में निकालने का हुक्म दिया जा रहा है। ये नहीं कि हम नफली सदका कर रहे हैं तो इसमें अच्छा माल निकालेंगे, और जब बात ज़कात किया जाए तो जो कुछ हमारे पास रदी और निकम्मी चीज़ें होती हैं हम ज़कात के तौर पर उसे निकाल दें। ये ऐसी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। और ये मामला आज हमारे पास हो भी रहा है। अगर हम बाज़ार चले जाएं तो देखते हैं कि कपड़ों का एक बंडल यहाँ अलग रखा हुआ होता है और एक ढिगार अलग पड़ी होती है, और उसके बारे में कहा जाता है ये ज़कात की साड़ियाँ हैं, ये ज़कात के कुर्ते पैजमे हैं, ये ज़कात के कपड़े हैं। और इसी तरह खजूरों का भी मामला है। हम अपने लिए अच्छी खजूरें लाते हैं और सदका व खैरात करने के लिए ऐसी खजूरों का इंतखाब करते हैं जिसमें क्रिक हुआ करती हैं, जिसमें कीड़े पड़े होते हैं, और जिसकी कीमत हद दर्जे कम होती है। ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये फिल वाक़ ये चीज़ें मौजूद हैं, और ये चीज़ आज हमारे मुआशरे में हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं पाई जाती है।
अल्लाह तबारक व तआला अच्छी चीज़ें सदका करने का हमें हुक्म देता है और अल्लाह से हम इसी बात की दुआ करते हैं कि इलाह आलमीन तो हमें अच्छी चीज़ें सदका करने वाला बना। और अल्लाह ने फरमाया जो तुम कमाते हो और हाथ की कमाई या फिर तिजारत या इसी तरह ज़राअत या इसी तरह मुलाजमत, ये चारों चीज़ों में से जिस जरिए से भी तुम कमाते हो और जिस जरिए से भी तुम खर्च करना चाहते हो, तुम्हारा माल अच्छा होना चाहिए। ये तो हो गया आदमी की कमाई। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाया वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, एक तुम खुद कमाते हो और एक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए खुद ज़मीन से पौधे उगाता है। ज़मीन से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए ख़जाने निकालता है। इस चीज़ में से भी तुम्हारे लिए सदका ज़रूरी है और इससे भी तुम जो खुद सदका करोगे वो अच्छी चीज़ें सदका करोगे। ज़मीन से क्या चीज़ें निकलती हैं? एक तो हमारी खुराक निकलती है और ख़ुराक का सदका उसकी मकदार के साथ है। शायद कुछ ही दिन में आपके पास मसारीफ ज़कात और ज़कात के कुछ मसाइल पर गुफ्तगू होगी, तो हम उस चीज़ को वहाँ पर तफसील से देखेंगे। अब यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि अगर ज़मीन से हमारे लिए अनाज निकलता है और वो इद्दखार के काबिल है तो उसके ऊपर फिर उसके मकदार के तहत ज़कात होगी। और इसी तरह दूसरी चीज़ होती है मादिन, ज़मीन के अंदर से जो भी मादनियात निकलती हैं, चाहे वो लोहे की शक्ल में हो, सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, तांबे की शक्ल में हो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़मीन से निकाली हुई है, तो इस पर भी हमारे ऊपर सदका नफली तौर पर और ज़कात ये तो फ़र्ज़ है ही। ये दोनों भी सूरतें इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई कि अगर तुम सदका भी देना चाहते हो या ज़कात भी देना चाहते हो तो इससे भी तुम्हें अच्छी चीज़ें निकालनी चाहिए। और इसी तरह रिकाज होती हैं, रिकाज किसे कहते हैं? तो पिछले ज़माने में मामला बैंकिंग वाला नहीं था तो लोग अपना माल महफूज रखने के लिए ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। अब ऐसी चीज़ भी अगर तुम्हें मिले तो उस पर भी तुम्हें सदका देना है और उसका निसाब भी शरीयत इस्लामिया ने जिक्र किया। तो जब तुम हासिल करोगे तो आधे का आधा तुम्हें अल्लाह की राह में दे देना है। तो जब तुम वो आधा दोगे तो उस आधे में से भी अच्छी चीज़ें दोगे। ये नहीं कि अच्छी अच्छी सारी चीज़ें तुमने अपने लिए निकाल ली और रदी चीज़ें और निकम्मी चीज़ें तुमने अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कर दी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुन्फिकूना वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह। बुरी चीज़ें अल्लाह की राह में देने का और अल्लाह की राह में खर्च करने का कभी इरादा और कभी कस्द मत करो। और बुरी चीज़ों का मामला क्या होता है? वलस्तुम बिआखिज़ीहि, तुम तो दे रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला की राह में पूरी चीज़ें देने की तुम्हारी नीयत है, लेकिन अगर वही बुरी चीज़ तुम्हारे पास ला दी जाए तो तुम उसे लेने से इनकार कर दोगे, लेने से कतराओगे। और ये बात कर्ज ही की क्यों ना हो, तो जब आदमी वापस लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा लेता है और अच्छी चीज़ लेता है और हक के साथ लेता है, और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब देने की बारी आती है तो उसमें कमी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ने कहा कि ऐसा तुम्हारा मामला और रवैया नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ने एक और मिसाल बयान फरमाई वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, अगर तुम वलो बिलफ़र्ज़ ऐसी चीज़ों को लेते भी हो तो तुम्हारा उस वक्त क्या मामला होता है, तुम्हारी कैफियत क्या होती है? तुम ना चाहते हुए आँख बंद कर कर उस चीज़ को लेते हो। और ये एक मरतबा अगर हम तसव्वुर कर लें तो ये हम में से हर आदमी का मामला है, अगर हम तक हमारा हक न पहुँचे, उसमें कमी हो, तो एक लम्हे के लिए हमारा दिल उस चीज़ को लेने के लिए गवारा नहीं करेगा। हम उसे छोड़ देंगे, फेंक देंगे, लेकिन उसको लेना हम अपनी शान के खिलाफ समझेंगे। तो अल्लाह ने कहा जब तुम्हारा ये मामला है कि तुम अच्छी ही चीज़ पसंद करते हो तो देने के वक्त और जब खर्च करने की बारी आती है तो तुम निकम्मी चीज़ों के ऊपर हाथ क्यों रखते हो? देने के वक्त भी तुम्हें अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ने कहा कि जो अच्छा सदका होता है वही अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल है, जैसा कि कुरान मजीद की एक और आयत अल्लाह ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते। और मुफस्सिरीन ने नेकी का एक माना जन्नत भी किया है, उन लोगों ने कहा कि तुम उस वक्त तक जन्नत हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा और महबूब चीज़ को खर्च न कर दो। इस सिलसिले में अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़िया हम तक पहुंचता है जो बिल्कुल सही सनद से है। वो ये कि जब अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आयत सुनी कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन,
तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते, नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। वो सीधे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरा एक बाग है जिसका नाम बैरोहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, उस बाग को कौन नहीं जानता, बड़ी उम्दा खजूर है। नबी अलैहिस्सलाम उस बाग में बैठा करते, उसका कुआं बड़ा मीठा था, आप उससे पानी नोश फरमाया करते और नबी अलैहिस्सलाम उस बाग की ठंडक से आराम हासिल करते। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन नहीं जानता है उस बाग को। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं इस बाग को आज ही अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, और आपने वजह में यह आयत तिलावत की कि मैं नेकी हासिल करना चाहता हूँ। मेरा इरादा यही है कि इस बाग के सदक़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुझे नेकी तक पहुँचा दे, मुझे नेकी अता कर दे, खैर अता कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह बड़ी नफ़ा बख्श तिजारत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे बेहतर चीज़ें तलब करता है। इसका यह मतलब नहीं कि आदमी अपने माल की सब अच्छी चीज़ें निकाल कर दे दें और अपने पास रद्दी चीज़ें रखें, नहीं है। बल्कि शरीयत इस्लामिया में वस्त है, एतदाल है, तुम ना तो सबसे अच्छी चीज़ दो और ना ही सबसे बुरी चीज़ दो। तुम जो कुछ सदका करते हो, चाहे वो ज़कात का मामला हो या चाहे नफली सदक़े का मामला हो, जो चीज़ें तुम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो वही चीज़ें तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐसी ही चीज़ें जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद किया करो। अब यहाँ एक सवाल है कि हम में से हर कोई ऐसे कपड़े जो वो खुद न पहनता हो या इसी तरह ऐसे बर्तन वो जो खुद इस्तेमाल न करता हो, एक वक्त गुजरने के बाद अपने घर से उसे निकालता है, तो क्या ये सदका आदमी ना करे? नहीं, इसका हुक्म अलग है। हम कसदन सदक़े के वक्त इन चीज़ों को नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ये चीज़ें जायद हैं इसीलिए हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, इसका जवाज़ है। लेकिन कसदन और ख़ासतन सदका करने के वक्त अगर ऐसी चीज़ों का हम इंतखाब करते हैं तो फिर वहाँ ये चीज़ मकरूह हो जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त हमें ऐसी चीज़ों के इंतखाब से मना फरमा दिया। और देखें, आदमी अपने मुसलमान को कैसे रदी और निकम्मी चीज़ें दे सकता है जबकि वो चीज़ें वो खुद अपने लिए पसंद नहीं करता। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्ब लिनफ्सिही, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए उसी चीज़ को पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हम जब कभी सदका करें, चाहे नफली सदका करें, चाहे ज़कात निकालें, जो सदका हम पर फ़र्ज़ हैं वो सदका करें, तो उस वक्त हमें अच्छे माल का इंतखाब करना चाहिए, उसी माल का इंतखाब करना चाहिए जो माल हम अपने लिए पसंद करते हैं। और ये एक आदमी के इस्लाम की तकमील भी है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से कहा था, अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन। अबू हुरैरा, लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम मुसलमान हो जाओगे, तुम्हारा इस्लाम कमाल तक पहुंच जाएगा। तो लोगों के लिए वही चीज़ पसंद होनी चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। और ये बात सिर्फ ईमान और इस्लाम के कमाल तक की नहीं है, बल्कि ये चीज़ हमें जहन्नम से भी महफूज रखेगी। जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं, अगर वही चीज़ हम अगर हम अपने भाई के लिए पसंद करने लग जाएँ, तो ये वो अमल है जो हमें जहन्नम से महफूज रखने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मन अहब्ब अन युज़हज़िह अन-नार ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो जहन्नम की सख्ती से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो इस हाल में मरे कि वो लोगों के लिए उसी चीज़ को पसंद करता हो जो वो अपने लिए पसंद कर रहा हो। तो जो आदमी इस हाल में मरेगा कि वो अपने मुसलमान के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को जहन्नम से महफूज रखेगा, और जहन्नम से महफूज रखेगा तो जन्नत में दाखिल कर देगा। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने यजीद बिन असलम रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, या यजीद अतुहिब्बल जन्नत, ऐ यजीद, क्या तुम्हें जन्नत पसंद है? यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नाम, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, فأحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك, तो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें
جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بات صرف صدقے کی حد تک محدود نہیں ہے کہ اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں تو جو چیز ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کو دیں گے، جو چیز ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں وہی چیز ہم زکوٰۃ میں نکالیں گے۔ یہ بات صرف صدقے کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ بڑی وسعت رکھنے والی حدیث ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم وہی چیزیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اگر ہم اپنے لیے برائی کو پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے غیبت کو پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے تہمت کو پسند نہیں کرتے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھی ان بری چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ ہم تو ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بات جب مسلمان کی آتی ہے اور اپنے بھائی کی آتی ہے تو اس کے دامن کو داغدار کر دیتے ہیں، اس کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بات عزت تک بھی محفوظ نہیں، بلکہ جو بہو بیٹیاں ہیں ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھا جائے جیسے ہم اپنی بہو بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی گھر کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ کوئی آدمی ہماری خواتین میں سے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، لیکن وہیں جب دوسروں کی بیٹیوں کی بات آتی ہے، دوسروں کی بہنوں کی بات آتی ہیں، تو ہم اپنی نگاہوں کو ان کے معاملے میں گندا کر لیتے ہیں، اور وہ محلے کے شروع سے جب تک محلہ ختم نہیں کر دیتی اسے دیکھتے رہتے ہیں، یا لوگوں کے گھروں میں تاڑ جھانکی والے معاملات کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے منافی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان کے لیے پسند کرو، کامل مومن ہو گئے۔ اگر ایسا تمہارا معاملہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے ایمان میں کمال نہیں ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے۔ یہی معاملہ تجارتی امور میں ہے، یہی معاملہ معاملات میں، رشتہ داریوں میں، جس جس مقام پر ہم جو جو چیزیں اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، وہی معاملات اور وہی چیزیں ہمیں اپنے مسلمان دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم جان لو، اس بات سے واقف ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، حمید ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ تمہارا یہ مال یہ اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے تم سے جس بات کا مطالبہ کیا کہ اچھی چیزیں خرچ کرو، تو یہ تمہارے لیے ہے، اس چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک کرے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو دھوئے گا۔ یہ چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی، جیسا کہ اللہ نے کہا لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے قربانی کیوں طلب کرتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیتیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات بلند کرے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا، اور ہمارے جو معاملات ہیں اسے بہتر بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے یہ حقیر مال سے بالکل بے پرواہ ہے، اسے اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے خزانوں کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوگو، اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، مرد بھی، عورتیں بھی، انسان بھی اور جن بھی، اور سارے کے سارے مل کر اپنی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو، تم مجھ سے مانگو اور میں تم میں سے ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں، وہ جتنا چاہے، وہ جتنا چاہے، وہ جتنا چاہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اگر اتنا بھی میں اسے دے دوں تو میرے خزانوں سے اتنی ہی کمی ہوگی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی کے داخل کر کے نکالنے سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، وہ ہم سے صدقات کا مطالبہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ہم اس آزمائش میں کھڑے اتریں اور یہ صدقات ہمیں فائدہ پہنچائے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا، اگر کوئی آدمی
پاک مال سے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ثم یربیھا لصاحبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کی پرورش اس کے صدقہ کرنے والے کے لیے کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، ویسے ہی کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اس کا کھجور کا ٹکڑا پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اب بتائیں کہ اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ اللہ کی ذات کو، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، وہ ہمارے ان حقیر سے صدقوں سے بالکل غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ صدقات صرف اور صرف ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ تو جو کچھ مال ہم اپنے صدقات سے نکالیں، جو کچھ صدقہ ہم اپنے مالوں سے نکالیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کا انتخاب کریں، اچھی چیزوں کا انتخاب کریں۔ اور اگر جنت چاہتے ہیں تو وہ چیزیں صدقے میں دینے کی کوشش کریں جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اگر ہم ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو وہاں پہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہوگا کہ یہ آدمی جنت کے بالمقابل کسی چیز کو پھر پسند نہیں کرتا۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی۔ دعا ہے الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔